इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद में हमारी मौजूदगी है और सीए के लागू होने के बाद आप देखें किस तरीके से यहाँ हिंदू रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले लोग घरों से बाहर आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और इनके लिए अब वो मौका आ गया है जब ये फाइनली सेलिब्रेट कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। ऐसे कई परिवार यहाँ पर हैं जो पहले या पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से यहाँ पर आए हैं और यहाँ रह तो रहे थे लेकिन नागरिक नहीं थे, और अब जब ये बात सामने आई है कि सीए लागू हो रहा है, एक एम्पावर्ड कमिटी को दिया गया है काम जो क्रियावरण इसका करेगी, लोगों से भी रिएक्शन लेना बनता है। कब से मैडम आई है यहाँ? 30 साल थे। 30 साल हो गया। कहाँ से आई है? मीरपुर पाकिस्तान से आई है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या आप मुझे बताएं क्या हालात है वहाँ जो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आना पड़ा? वहाँ का हालात तो बहुत खराब था। पहले हम तो 1996 में आए हुए हैं, 30 साल हो गए शायद हमको। लेकिन अभी तक यहाँ पे नागरिकता हमको नहीं मिली और वहाँ पे बहुत तकलीफ थी हमारे को, मतलब रहने की वहाँ तो कुछ अपना कोई है नहीं। पूरे दिन उनकी मजदूरी करो, उनको कमा के दो, घर पे आको, खाओ पियो, सो जाओ, फिर सुबह उनका काम करो, मतलब उनकी गालियाँ खाओ, मतलब बहुत जुलम सहना पड़ रहा था वहाँ पे। अभी यहाँ पे आए हैं तो अभी नागरिकता की सीए पास हुआ तो बहुत खुश है हम, और मोदी जी को और अमित शाह जी को पूरा थैंक्स बोलते हैं और धन्यवाद पाठते हैं क्योंकि यहाँ का सीए पास किया और हमको अभी नागरिकता मिलेगी और धन्यवाद। अच्छा, नागरिकता का इंतजार था? हाँ, खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। आप यहीं रहते हैं? मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मीरपुर से। कितने साल हो गए आपको? मुझे यहाँ पे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अब जब ये खबर सुनी कि अब फाइनली लागू हो रहा है, हालांकि 2019 में ये बात होने लगी थी, तो अब कैसा लग रहा है कि अब तो लागू होने वाला है? अब तो बहुत खुशी हो रही है, और हम बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही थी, वो अभी एडमिशन मिल जाएगी, हम अपने नाम पे घर ले सकते हैं, गाड़ियाँ ले सकते हैं, अभी तो मजे ही हो जाएंगे। मैम, आप आई थी, आप बता रहे? हाँ, मैं 1990 में मैंने माइग्रेट किया था पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ इधर, एंड वहाँ पे कैसे ट्रीट किया जाता है वो तो सबको पता है कि काफिर कह के बच्चों को साइड करके अलग से एक वो घिन की तरह से ट्रीट किया जाता है। तो वहाँ पे तो कोई फ्यूचर था ही नहीं हमारा, तो हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे माइग्रेट होते हैं। तो मैं 1990 में माइग्रेट हुई थी, लेकिन मुझे नागरिकता 2016 में मिली। तो मेरा 26 साल का स्ट्रगल रहा नागरिकता लेने का। एंड मैं एक बात बोलूंगी कि कांग्रेस सरकार के राज में 10 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया, 3 बार मेरी फाइल रिजेक्ट हुई नागरिकता के लिए। एंड 2015 में जब मोदी जी ने 2014 में जब शासन संभाला और 15 से जो निर्णय लेना चालू किए, 16 में कलेक्टर को यहाँ पे पावर दी और काम धीरे धीरे, मतलब तभी से मोदी जी ने अपना काम शुरू कर दिया था, 2016 से ही ये काम चालू हो गया। आपको लगता है अब जब ये सीए पास हो गया है तो बाकी लोगों के लिए आसानी होगी? जितना लंबा स्ट्रगल आपका रहा उतना नहीं होगा? बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीए लागू होने के बाद अगर डॉक्यूमेंट 2014 से पहले जितने भी आए हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी है तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि बात कहाँ आके अटकती है, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स पे। आपका ये नहीं है, पासपोर्ट एक्सपायर है, वीजा एक्सपायर हो गई, ये हो गया, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की अभी वो नहीं चलेगा। जितने भी लोग 2014 से पहले के आए हुए हैं उन सबको नागरिकता मिल जाएगी, और एक नागरिक होने की जो फीलिंग्स होती है ना, सबसे पहले तो वो मिलेंगी यहाँ पे। मैम, आप इलाके के विधायक हैं और मोदी जी का ला भी रहे हैं और सीए की भी बात हो रही है, तो किस तरीके से, पहले तो ये बताइए आप लोगों का प्लान है, क्योंकि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट और जिस इलाके में आप हैं जहाँ लोग रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, उनके लिए खुशी का माहौल है, क्या तैयारी आप लोगों की है? जी, आपने देखा ही होगा कि मोदी सरकार के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, आज साल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बारी दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। और आप कुछ देर पहले अगर आते थे तो आप देखते कि बच्चे किस तरह से आतिशबाजी कर रहे थे, और इतना खुशनुमा जो माहौल था यहाँ पे, तो वो खुशी कहीं ना कहीं हम आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी सेलिब्रेट करते रहेंगे। इतना ही ये हम लोगों के लिए शायद समझना भी इस चीज को मुश्किल है, लेकिन वो लोग जो 30-30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, नागरिक नहीं है, अपने बच्चों के कुछ काम करवाने के लिए, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता था नागरिकता, अब 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंतजार खत्म हो रहा है, सीए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और ऐसे में इनकी खुशी का यहां ठिकाना नहीं। कैमरा पर्सन सुनील यादव के साथ प्रियंका कांटपाल, न्यूज 18 इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात।